हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक लेटेस्ट जो जॉब अपडेट्स है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंदर जो पोस्ट है यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड टू टेक्निकल वैकेंसी। और इस वैकेंसी के ऊपर जितने भी जो सभी स्टेट से खास करके जितने डिप्लोमा होल्डर्स, डिप्लोमा के अलग अलग जो डिसिप्लिन यहाँ पर दिया गया है और जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका 797 वैकेंसी है। और इस वैकेंसी के ऊपर सभी स्टेट से जो कैंडिडेट्स आपको जितने भी जो इंडियन नेशनल्स है, बोथ मेल एंड फीमेल जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है, इसमें बकायदा ऑनलाइन आप आवेदन कर पाएंगे। अभी देखिए, इस जो नोटिफिकेशन के अंदर जो सभी पॉइंट्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, सबसे पहले आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, और उसको कैटेगरी वाइज, दैट मींस आपका अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एससीएसटी, ओबीसी, इस तरह की जो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नेक्स्ट रहेगा इस पोस्ट के लिए आपका सैलरी, सैलरी के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट जो क्या है इस पोस्ट के लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सी एजुकेशनल वाले कैंडिडेट्स इसके लिए इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन क्या रहेगा, और सर्विस आपका लायबिलिटी जिसके अंदर आपका सभी कैंडिडेट्स को मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको ऑल ओवर इंडिया किसी भी जगह पे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे उनको काम करने की अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। सेकेंड जो नेक्स्ट चीज़ है आपका सीटीएफ एग्जामिनेशन, कहाँ कहाँ रहेंगे, कौन सी सिटी रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका कितने स्टेजेस रहेंगे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, कट ऑफ्स क्या होंगे, हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्जामिनेशन फेज क्या रहेगा, अंत में आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा किस आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स इस वीडियो में रखूंगा, इसलिए मेरा देश के सभी जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं सबको सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग पेशेंस के साथ मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को एक वीडियो में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए। चलिए अभी इसका डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन के ऊपर, जैसे मैं पहले से बताया जो पोस्ट नेम है आपका यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जो आपका जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड टू टेक्निकल वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर जो सैलरी दिया जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं आपका 25,000, ये आपका ग्रुप सी का वैकेंसी, नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल आपका पोस्ट है। और इसमें जो सैलरी दिया जाएगा, ये आपका सैलरी का जो रहेगा स्केल अप पे जो रहेगा 25,500 से लेकर 81,100 रहेगा। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की जितने भी आपका जो करंट जो DNS अलाउंस, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, तमाम फैसिलिटी जो एकोमोडेशन के लिए HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, सभी इसमें वो जो है सैलरी के साथ आपको मिलेंगे। उसके अलावा स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस आपका एट द रेट ऑफ 20% आपका जो बेसिक पे रहेगा, बेसिक पे का आपका 20% एज ए स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस के तौर पे आपको मिलेगा। उसके अलावा आप अगर छुट्टी का दिन में, हॉलीडेज के दिन में अगर आप ड्यूटी करते हैं, आपको कैश कंपनसेशन जो है उसमें सीधा डायरेक्ट जो आपको जो है आपका सैलरी में ऐड होके आ जाएगा, जो एडिशनल जो कैश है वो आपको आ जाएगा। अभी बात करते हैं इसमें जो टोटल जो वैकेंसी को कैटेगरी वाइज किस तरह से बांटा गया है। देखिए, टोटल वैकेंसी जैसे मैंने बताया था 797 वैकेंसी, लगभग 800 वैकेंसी है। इसमें ST के लिए आपका 59, SC के लिए 119, OBC के लिए 215, EWS के लिए 79, अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए आपका 315 वैकेंसी दिया गया है। अभी सबसे जो बड़ी बात आपको समझने की ज़रूरत है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को समझने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें कई तरह की जो एजुकेशनल वाले कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसको मैं थोरली थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगा। सभी खास करके जितने भी आपका डिप्लोमा होल्डर्स और जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, इसको थोड़ी सी ध्यान से आप सुनिएगा ताकि आप समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो कौन सी डिप्लोमा होल्डर जो कैंडिडेट्स हैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे, सबसे पहले इसमें देखिए, जो कैंडिडेट्स डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर किया हुआ है, या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर किया हुआ है, या कोई डिप्लोमा कैंडिडेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के ऊपर किया हुआ है, नहीं तो जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर किया हुआ है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर किया हुआ है, या आपका कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर जो डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट्स है वो इस पोस्ट के लिए बकायदा आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं जो आपका बैचलर डिग्री वो कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं जो बैचलर डिग्री इन साइंस में, बैचलर डिग्री किया हुआ है साइंस में, उसका सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए,
या आपका कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या आपका फिजिक्स होना चाहिए, या मैथमेटिक्स होना चाहिए। वो तरह की जो आपका बीएससी जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने बीएससी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स या आपका मैथमेटिक्स, वो कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर पाएंगे। नहीं तो थर्ड ऑप्शन, जो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर अगर कोई कैंडिडेट्स बैचलर डिग्री किया हुआ है वो कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर पाएंगे। अभी चलेंगे जो नेक्स्ट पोस्ट है आपका एज लिमिट एंड देयर रिलैक्सेशन। एज लिमिट इसमें इस पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे उनका एज लिमिट देखिए यहाँ पर 28 से 27 साल रखा गया है। मिनिमम आयु सीमा आपका 18 होना चाहिए, मैक्सिमम आप 27 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो आपका एस सी एस टी का जो कैंडिडेट्स है उनको 5 साल के अतिरिक्त छूट दिए जाएंगे और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए इसमें 3 साल के अतिरिक्त छूट दिए गए हैं। खास करके आईबी में पहले से जो कैंडिडेट्स कार्यरत हैं उनको डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए देखिए 40 ईयर्स जो ऑपरेज लिमिट रखा गया है। जिन्होंने आईबी में मिनिमम 3 साल की सर्विस कर चुके होंगे, अभी कंटिन्यूड सर्विस उनका कंटिन्यूस चल रहा होगा, उस तरह के जो कैंडिडेट्स के लिए अगर ड्यू टू हायर पे स्केल इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो इनका ऑपरेज लिमिट 40 साल तक इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट, खास करके इसमें जो ऑपरेज लिमिट दिया गया है आपका जो डिवोर्स वुमेन विडोज, आपका डिवोर्स वोमेन और जो लेडीज जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड नॉट रीमैरिड, उस तरह की जो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर अगर अनडिजर्व है वो लेडीज उनको 35 ईयर्स अपर एज लिमिट मिलेगा, अगर एस सी एस टी से है तो उनको 40 साल की अपर एज लिमिट, जो मतलब 40 साल तक इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी बात करते हैं यहाँ पे जो एज लिमिट रिलैक्सेशन, मैक्सिमम आपको 5 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो मेरिटियस स्पोर्ट्समैन है उनको 5 ईयर्स का मैक्सिमम रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट, अभी इस पोस्ट जो है ये आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए सुइटेबल नहीं है, जो खास करके पर्सन विद आपका जो आपका डिसेबिलिटी, खास करके जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्ट सुइटेबल नहीं है, इसलिए इसमें उनको ऑथराइज नहीं किया गया पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। गलती से भी जितना भी आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इसमें आवेदन नहीं करेंगे। अभी देखिए इसका बाकी जो बैलेंस डिटेल्स को जाने से पहले मेरा देश के सभी जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं सभी भाई बहन को मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं या पहले से विजिट करते आ रहे बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग अगर इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट अगर पाना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ इसका बेल आइकन को प्रेस करके आप इस चैनल के लिए पर्सनलाइज बन सकते हैं, ताकि यहां से कोई भी जॉब अपडेट्स चाहे किसी भी स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के बारे में, जैसे मैं उसका अपलोड करूं कोई भी अपडेट्स आपको इमीडिएट नोटिफाई करेगा ताकि आप उसका नोटिफिकेशन पा सकते हैं। दूसरी जो चीज़ें कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है पक्का एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपका फ्रेंड सर्कल में, हो सकता है आपका फ्रेंड दोस्तियारी में कोई ना कोई बंदा इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होकर बैठा होगा जिनको ये नोटिफिकेशन या जानकारी नहीं पता होगा, तो आप इसको कृपया करके शेयर कर सकते हैं उस तरह की कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका सर्विस लायबिलिटी, ये जो सर्विस लायबिलिटी है इसमें जो कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे या आईबी के अंदर जो कैंडिडेट सर्विस करना चाहेंगे, सबसे पहले उनको मेंटली जो है आपका सेटअप आप कर लेंगे कि आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपका जो जितने भी आपका आईबी का ऑर्गेनाइजेशन जहां पे भी वैकेंसी होगा जहां पे आपको पोस्ट किया जाएगा वहां पे आपको काम करना पड़ेगा, यह आपको माइंडसेट पहले से कर लेना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका सीटीएफ एग्जामिनेशन, सीटीएफ जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उस टाइम आपको सारे ऑप्शंस जो सीटीएफ जो एग्जाम का एग्जाम सिटी का ऑप्शंस वहां पे आएंगे, इसमें बताया गया कि एक कैंडिडेट मैक्सिमम जो है 5 ऑप्शन अपना चॉइस के हिसाब से 5 ऑप्शन जो है चूज कर सकता है, 1, 2, 3, 4 करके 5 ऑप्शन जो एग्जाम सिटी चूज कर सकता है। नेक्स्ट अभी बात करेंगे आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें जो सबसे पहले इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेजेस रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में एक तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे मिनिमम कट ऑफ से जो कैंडिडेट्स ऊपर रखेंगे वो कैंडिडेट्स के आपका स्किल टेस्ट करवाए जाएंगे, जो कि आपका स्किल टेस्ट प्रैक्टिकल बेस होगा, और जो स्किल टेस्ट में जो कैंडिडेट्स ये आपका जो स्किल टेस्ट रहेगा उसको उसी में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनके इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट करवाया जाएगा। ये 3 स्टेज जैसे सबसे पहले आपका टायर 1 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, टायर 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा, टायर 3 में आपका इंटरव्यू पब्लिक पर्सनालिटी टेस्ट होगा। ये आपका 3 स्टेजेस आपका सिलेक्शन प्रोसेस में रहेगा, तो थोरली आपको कवरअप करना होगा ये जो तीनों स्टेजेस को करना होगा आप अगर इसमें सक्सेस होना चाहते हैं तो। अभी देखिए इसमें जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में सबसे पहले टायर 1 में इसमें जो क्वेश्चन होंगे इसमें 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100 में से 25% क्वेश्चन जो होंगे आपका जनरल मेंटल एबिलिटी
के ऊपर क्वेश्चंस होंगे और 75% क्वेश्चन आपका कंबाइंड सब्जेक्ट, जो आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो आपका दिया गया है, जो क्वालिफिकेशंस मांगा गया है, उसमें सारे सब्जेक्ट को मिलाकर आपका 75% क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेगा इसमें आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटा की समय अवधि आपको दिया जाएगा। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, हर एक जो गलत आंसर के लिए 1/4 मार्क, जितना आपका टोटल मार्क होगा हर एक क्वेश्चन का, जैसे 1 मार्क है उसमें 1/4, मतलब एक क्वेश्चन का अगर गलती होने पर आपका 0.25 मार्क्स जो है आपको काट दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा। उसमें जो कैंडिडेट्स इसमें टायर वन में आपका क्वालिफाई करेंगे, वो कैंडिडेट्स इसमें आपका टायर टू को ले सिलेक्ट किया जाएगा। टायर टू में देखिए स्किल टेस्ट होगा जो कि आपका 30 मार्क का होगा, जो कि प्रैक्टिकल बेस होंगे। इसमें आपका जॉब से रिलेटेड आपका जो जो भी आपका टेक्निकल चीज़ें आवश्यकता है उसके आधार पर आपका प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। और इस टायर टू में जो कैंडिडेट सक्सेसफुल होंगे उनको इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलवाया जाएगा, जो कि आपका 20 मार्क का आपका होगा। नेक्स्ट आता है सबसे जो बड़ी पॉइंट, बंदों के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होता है, मिनिमम जो कट ऑफ क्या रहेगा। इसमें देखिए कट ऑफ बिल्कुल क्लियर तरीके से दिया गया है, यूआर के लिए जो कट ऑफ है 35 जो है 35 रहेगा, 100 में से 35 मार्क आपका यूआर का कट ऑफ रहेगा, ओबीसी का आपका 34 रहेगा। उसी तरह से आपका जो एससी एसटी कैंडिडेट्स है, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपका एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए आपका 33 यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए आपका 35 इसमें जो है दिया गया है, आपका कट ऑफ दिया गया है। एक्स सर्विसमैन जिस कैटेगरी से होगा उसी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ रहेगा, जैसे बताया गया है, ठीक है। उसमें आप जो स्किल टेस्ट के लिए जो सेकंड टायर, खास करके जो टायर वन में जो कैंडिडेट्स आपका जिनका परफॉर्मेंस के आधार पर उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट बड़ी पॉइंट आता है आपका हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के जैसे पहले से मैं बताता आ रहा हूँ, जो इसमें अप्लाई जो प्रोसेस रखा गया है वो ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। और यहाँ पर देखिए 2 वेबसाइट दिया गया है, ये 2 वेबसाइट से किसी भी वेबसाइट में आप जो है ऑनलाइन जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने की जो डेट से इम्पोर्टेंट डेट से 3 जून 2023 से इसका अप्लाई स्टार्ट होंगे और 23 जून 2023 इसका क्लोजिंग डेट है, मतलब 23 जून 2023 रात को 11:59 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट्स को मैं कहना चाहूँगा जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है, लास्ट मिनट का लॉस मतलब आप इंतज़ार मत कीजिए, उस टाइम पे जो वेबसाइट जाम हो सकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है, तो आप इसमें फिर वंचित हो जाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है अगर आप एलिजिबल है तो आप टाइमली जो है आवेदन कर लीजिए। नेक्स्ट जो बड़ी पॉइंट है, 5वां पॉइंट, ये है आपका एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस में आपका 2 कंपोनेंट्स रखा गया है, जैसे सबसे पहला एक रखा गया एग्जामिनेशन फीस, वो है 50 रुपया। एग्जामिनेशन फीस 50 रुपया रखा गया है और एक आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस से 450 रुपया रखा गया है। इसमें देखिए जो ये रिक्रूटमेंट जो प्रोसेसिंग चार्ज 450 रुपया रखा गया है, ये इसको सभी कैंडिडेट्स को, किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट्स को देना पड़ेगा। देखिए आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस है ये ऑल कैंडिडेट्स, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, एससी एसटी जो किसी भी कैटेगरी से हो, सभी के लिए ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 450 रुपया देना होगा। बट ये जो एग्जामिनेशन फीस 50 रुपया है, ये सिर्फ आपका जो मेल कैंडिडेट्स आपका अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए है, जो 50 रुपया, मतलब इसका मतलब हो गया जो मेल कैंडिडेट्स अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के जो बंदे हैं उनको 50 रुपये के साथ साथ 450 रुपये भी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस पेड करना होगा, ठीक है। बाकी सभी कैंडिडेट्स को रिक्रूटमेंट जो प्रोसेसिंग चार्जेस देना होगा। नेक्स्ट अभी बात करेंगे इसका जो मोड ऑफ पेमेंट, ये जो आप पेमेंट करेंगे आपका जो एग्जामिनेशन फीस और रिक्रूटमेंट जो प्रोसेसिंग चार्जेस है, ये आपको ऑनलाइन पे करना होगा। जैसे आप एप्लीकेशन को सबमिट करते भरते समय आपको पेमेंट का एक गेटवे मिलेगा और वहाँ पे आप रुपए, आपका वीजा, मास्टर कार्ड, आपका जो मेस्ट्रो कार्ड या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई पे या एसबीआई चालान के जरिए आप अपना पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आएगा, अगेन यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए रिपीट करता हूँ, देखिए यहाँ पर जो क्लोजिंग डेट बिल्कुल क्लियर तरीके से दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं 20 जून 2023 इसके लिए क्लोजिंग डेट रखा गया है, ठीक है। और बाकी सारे जानकारी जो इसमें जितने भी था सभी जानकारी इसमें मैं कवर किया, आशा करता हूँ मेरे देश के सभी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से इस नोटिफिकेशन को समझ पाएंगे।
फिर भी अगर आप लोगों का मन में किसी प्रकार का शंका या सवाल रहता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यही था इस नोटिफिकेशन का जो समस्त जानकारी, जिसको मैंने वीडियो में जो है आप लोगों के लिए डिस्कस किया। आशा करता हूँ आप लोग क्लियरली इसको समझ पाएंगे। ठीक है, इसके साथ इस नोटिफिकेशन के इम पर क्लोज करते हैं। फिर मिलते हैं अगले किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।